बताओ मम्मा क्या बना रही हो? आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे किसने खाना है पाठा? मैं चावल वाले खा रही हूँ। आप हर टाइम चावल भी खाती हो? ये सब कुछ आपका है, फिर भी पेट भरता है कि नहीं? नहीं नहीं भरता। फिर क्या खाना है? पहले हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। बताओ मम्मा क्या बना रही हो? आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे किसने खाना है पाठा? मम्मा चपाच ये स्पून बोलते हैं बेटा। अभी इसके साथ मिर्ची डालेंगे ना, डैडी के लिए पाठा बनाएंगे अच्छा सा। गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी पराठे बनाए थे आलू के, जो कि बच्चे बड़ा शो डाल रहे थे, मतलब वीडियो के स्टार्ट में आप देखेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आजकल वो वाली हालत नहीं है कि जल्दी जल्दी जो भी बनाए शूट कर लें, और सैम बच्चों के साथ बिजी होते हैं तो वो इतना, तो मैं ही वीडियो शूट करती हूँ, उनको नहीं है। और मैं बस जल्दी से ओके हो जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं वापस से अपनी चैनल पे आऊँगी। और मेकअप की वीडियो, वैसे तो अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि पहले हम हॉस्पिटल की वीडियो आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद घर आएंगे इसकी होगी, बेबी के कुछ छोटे मोटे से प्रोग्राम वगैरह होंगे वो होगी, और उसके बाद क्रिसमस है, फिर कुछ शादियां हैं, और सिर्फ इन्जॉयमेंट का टाइम है। और मैं काफ़ी मंथ बाद जो है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि मैं सफ़र नहीं कर रही थी, तो घर पे बंधी हुई हूँ। अभी मैं जब आज़ाद होंगी तो फिर सना के घर जाना और इधर उधर घूमना फिरना, तो बहुत सी मैं जैसे आउटिंग करूँगी। आउटिंग करने के लिए तो मुझे अभी इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अम्मी नहीं करने देगी न्यू बॉर्न बेबी के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि नवंबर है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर ये है कि सर्दी होगी तो बाहर ले जाना, सर्दी न लग जाएगी वो। लेकिन फिर भी रैप करके अच्छे से, मैं बहुत टाइम हो गया मैं सना की तरफ नहीं गई, वही आती है, वही मिल के जाती है, उसकी तरफ जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी थोड़ा। ये है कि क्रिसमस की शॉपिंग वगैरह भी हो जाएगी तो बच्चों के लिए, और पता नहीं इस बार मैं एमओ की कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, क्योंकि हर साल एमओ चर्च में वो करती है, क्रिसमस के प्रोग्राम में हिस्सा लेती है उनके साथ, बच्चों के साथ। तैयारी व्यारी तो मैं करवा सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं जा पाती हूँ या नहीं। हाँ कोशिश करूँगी कि अगर जा पाई तो ज़रूर ज़रूर, क्योंकि बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे उन्होंने खुश होता है। जिनका उनको बहुत वेट होता है, उसको बहुत टाइम से वेट है कि फिर से प्रोग्राम करेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको ज़रूर मतलब सपोर्ट कर पाऊँ। और जितने भी लोग हैं मेरे चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और कोशिश करें कि आपकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मतलब आप अपने फैमिली मेम्बर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दुआ में याद रखें, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और दुआ कीजिएगा। खुदा जो भी दे, खुदा मतलब ज़िंदगी वाला होना चाहिए, और इससे घट के तो और कुछ नहीं होता। A few moments later. तो बस आजकल खाना ऐसे ही बन रहा है, क्योंकि मुश्किल होती है। सबसे पहले प्याज डाल देते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं, जब तक ये ब्राउन होगा वो जो चीज़ें, एक सेकेंड मम्मी। और एमो मेरी बहुत हेल्प करती है खाना बनाने में, है ना एमो? और मैं बना रही हूँ चिकन आलू मटर का सालन और साथ चावल। अब सालन तैयार हो गया, चावलों के पानी रखती हूँ
साथ ही आटा गूंथ के रोटी भी बनानी है क्योंकि सैम साहब को तो रोटी चाहिए, कुछ भी हो जाए। सालन भी तैयार है और चावल भी तैयार है। मैंने ना बैलू का फीडर रख दिया चूल्हे पे, तो ये इसलिए ऐसे बनाए हैं क्योंकि चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं और दूसरा ये कि सैम को भी सूप खा लो। और ये मेरी पतीली गंदी नहीं है, ये नॉन स्टिक था और ये इसको वॉश कर करके ऐसे हो गया। तो सो जो कमेंट करते हैं कि ये गंदी है, तो ये गंदी नहीं है, ये नॉन स्टिक पूरा इसका उतर चुका है। और जी मैं बस अभी चेंज करने लगी थी, हालत बहुत ख़राब है, वैसे भी ऐसी है, ऐसी ही रहती है, बस अभी चेंज करूँगी तो थोड़ी देर अच्छी होगी। सारे काम ख़त्म कर लिए, खाना भी बना लिया है और अभी बस फ्रेश होना है। और यूनिफॉर्म वगैरह सैम का मैंने धो दिया है, मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। सैम भी घर पे ही हैं तो बच्चों को भी चेंज करवा दिया, बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मेरी हालत होती है, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल ही जो है व्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। तो अभी चेंज करूँगी फिर उसके बाद दिखाऊँगी मैजिक। और नहा धो के खाना भी खैर खा लिया, बालों से अंदाजा होगा क्योंकि बाल बाल सूख गए हैं। तो बस लेट गई थी क्योंकि थक बहुत 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 जाती हूँ और मेरा वेट बस ओवर होने वाला है, मतलब टाइमिंग अभी इतना नहीं है, बस कम ही है, बहुत जल्द आप सबको हम एक न्यूज़ देंगे और हम भी उस न्यूज़ का वेट। क्या बनाया आपने? जी बस अभी ही करेंगे थोड़ी सी चाय एंजॉय। हाँ जी नहा लो। और सब को लग रही है सर्दी, वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई और मेरे नहाने का दिल नहीं कर रहा। और रात के बजे है अभी सिर्फ और सिर्फ 9:30। यमी है, यमी है। रात के 1 बजे वॉक। आज फीलिंग आ रही है सर्दी वाली। The next day. मैं चावल खा रही हूँ। आप हर टाइम चावल भी खाती हो? ये रोटी है। ये रोटी किसकी है? मेरी। सब कुछ आपका है और ये किसका है? मम्मा। ये मम्मा का और ये? अम्मू का। ये अम्मू का, ये डैडी का। और ये दही किसका है? मम्मा का। मम्मा का, सही। मेरा। ये सब कुछ आपका है, फिर भी पेट भरता है कि नहीं? नहीं, नहीं भरता। फिर क्या खाना है? दूध पी रहा है? हाँ। जी बेटा। अच्छा इधर लग दो। किस किस को ये खाना पसंद है आ जाए। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है चावल। चावल पसंद है? पिछे में चावल है। हाँ। और आजकल दही खाने का बहुत दिल करता है, तो ये जो मैंने चावलों के बाद बच गई इसके ऊपर चीनी डाल दी। पर ये बच्ची जो है ना,